हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एन आर म्यूज़िक एंड रेसिपीज़ व्लॉग्स। तो आज की मेरी रेसिपी है सीताफल की खीर, जो हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें कुछ कुकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। और ये काफ़ी फेमस है भिवंडी में एज अ डेजर्ट और बहुत महंगा मिलता है, तो आप घर पर इसको बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है अमूल फ्रेश क्रीम, ये डीमार्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। इसको एक माउल में ट्रांसफ़र कर लेना और मिक्स कर लेना है हैंड मिक्स की मदद से या चम्मच की मदद से। फिर यहाँ पे मैंने पिसी हुई शुगर इसमें डाल दी हूँ, 200 ग्राम्स। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जितना आपको मीठा पसंद हो। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए डीप फ्रीजर में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होता है, हम सीताफल को जो है इसके बीज और पल्प अलग कर लेंगे। तो इसको आसान तरीका मैं बताती हूँ कि इसको कैसे अलग करना है। तो यहाँ मैंने लिया है चॉपर, फिर ये जो सीताफल का जो पल्प है वो सारा हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 बार हम इसको चॉपर में इस तरह से चॉप कर लेंगे। इससे बीज सारे जो है फटाफट से अलग हो जाते हैं। तो करीबन 1 किलो सीताफल मैंने सिर्फ 5 मिनट में इसके जो पल्प है वो अलग कर दिया है, बीज अलग कर दी है। आप देख सकते हो इस तरह बीज अलग हो जाते हैं चॉपर की मदद से। आप इट एज अ ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ये सारा सीताफल का जो पल्प है वो मैंने एक तपेली में निकाल लिया है और आधा घंटा हो चुका है, ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए करीबन 1 से 2 घंटे के लिए। ठंडा, जितना ठंडा ये होगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो फटाफट से जो ये तपेली मैंने रखी हूँ उसी में मैं इसको मिक्स कर रख दूँगी फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। और यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम्स अमूल फ्रेश क्रीम, इसमें मैंने 1 किलो सीताफल का जो पल्प है वो यूज़ किया है। आप ज़्यादा बना रहे हो तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी रखें। तो करीबन 2 घंटे के बाद ये देख सकते हो आप रिजल्ट्स आपके सामने है, ये काफ़ी थिक हो चुका है, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो बस यही थी मेरी रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये डेजर्ट की रेसिपी पसंद आई हो। अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय।